गांव की जिठानी। शांति अपने दो बेटों अर्नव और आरुष के साथ शांति से जीवन बिता रही थी, लेकिन शांति के पति सोहन से उसकी कभी कभार थोड़ी अनबन हो जाती थी। एक दिन शांति रोज की तरह सुबह का खाना बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर वो दरवाजे की ओर जाती हुई कहती है, अरे आती हूँ, कौन है, सब्र करो। शांति दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके जेठ मोहनदास सामने खड़े होते हैं। वो सक पकाकर अपना घूंघट करती है और पैर छूकर कहती है, आइए आइए जेठ जी। कैसे हो शांति? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब आपकी मेहरबानी है भाई साहब। शांति और मोहनदास की बातें सुनकर शांति का पति सोहन और उसके दोनों बेटे बाहर आ जाते हैं। अरे भैया राम राम, कैसे हो आप? राम राम भाई। अरे शांति ऐसे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चाय कॉफी कुछ लेकर आओ, भैया आए हैं। शांति तेजी से रसोई की ओर आगे बढ़ती हुई कहती है, अरे मेरी माँ, गेट खोलने के चक्कर में मेरे तो चावल ही जल गए। वो दौड़ी दौड़ी रसोई में जाती है और देखती है कि सारे चावल जल गए हैं। वो दोबारा चावल बनाने में लग जाती है, इतने में सोहन आवाज लगाता है, अरे शांति तुम्हारे चावल का रोना खत्म हो गया हो तो चाय ले आओ। जी लाती हूँ अभी। शांति जल्दी जल्दी चाय बनाती है और मोहनदास को चाय देती है। सब एक दूसरे की खैर खबर पूछते हुए चाय पीते हैं। चाय खत्म होती ही मोहनदास शांति की ओर देखते हुए मजाक में कहते हैं, शांति अब तुम्हारी चाय में दम नहीं रहा, अब हमें चाय बनाने वाली बदलनी पड़ेगी। ये कैसे मुमकिन होगा जेठ जी, घर और बाहर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और कभी कभी जल्दी जल्दी के चक्कर में काम बिगड़ जाते हैं, जैसे आज चावल जल गए। अरे इसी का तो हल लेकर आया हूँ, मैंने रिश्ता देखा है अर्नव और आरुष के लिए, दोनों लड़कियाँ बहुत सुंदर और सुशील है, अगर आप दोनों इजाजत दें तो बात करूँ आगे। सोहन और शांति रिश्ते की बात सुनकर कहते हैं, अब ठीक है बात चलाइए ना भैया, पर पहले लड़की के बारे में कुछ बताइए तो सही। हाँ हाँ भाई साहब, लड़की कैसी है, परिवार कैसा है, कहाँ के रहने वाले हैं? देखो परिवार तो बहुत अच्छा है, पर वे दोनों लोग बहुत गरीब हैं, दहेज में कुछ मिलेगा नहीं। अरे हमें दहेज में कुछ चाहिए भी नहीं, बस लड़की संस्कारी होनी चाहिए। एक लड़की तो पढ़ी लिखी है और शहर की रहने वाली है, पर दूसरी अपनी गरीबी की वजह से पढ़ ना सकी और गाँव में रहती है, लेकिन दोनों है बहुत खूबसूरत, अगर तुम सबको देखते ही पसंद ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। हाँ पर तो हम आके मूंद कर भरोसा कर सकते हैं भैया, आप आगे बात चलाइए, हम शादी करने को तैयार हैं। कुछ ही दिन में अर्नव और आरुष की शादी हो जाती है। आरुष की शादी अनपढ़ लड़की मंजरी से हो जाती है, जो कि बहुत भोली भी होती है, और अर्नव की शादी पढ़ी लिखी लड़की तनुजा से हो जाती है, जो कि घमंडी और चालू होती है। एक दिन मंजरी घर के काम कर रही थी कि अचानक शांति उसे आवाज लगाती है, बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, मंजरी जल्दी यहाँ आओ। मंजरी जल्दी जल्दी शांति के पास जाती है। बेटा मेरे पैर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, बस बर्तन धोकर आती हूँ। अरे बैठ यहाँ, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बर्तन छोटी बहू धो लेगी। मंजरी शांति के पैर दबाने लगती है तो शांति तनुजा को आवाज लगाती है, छोटी बहू, आ छोटी बहू। तनुजा थोड़ी देर से आराम से चलकर आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे, आपको कोई काम था क्या? तो कुछ काम कर रही है या? शांति की बात काटते हुए तनुजा बोलती है, कुछ नहीं माँ, फोन पर अपने घर पर बात कर रही थी। अरे बाद में बात करियो अपने घर वालों से, पहले जाके बर्तन धो ले। तनुजा मुंह बनाते हुए अपनी जिठानी की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, ये महारानी वहाँ बैठी है, ये नहीं कि बर्तन धो ले, मैंने इतनी पढ़ाई बर्तन धोने के लिए की थी क्या? तनुजा दांत पीसकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सब दफ्तर चले जाते हैं, तभी डाकिया चिट्ठी लाता है। शांति चिट्ठी लेकर मंजरी से कहती है, बड़ी बहू जरा छोटी बहू को बुलाना, एक चिट्ठी आई है, मेरी तो आंखें कमजोर है तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। मंजरी तनुजा के पास जाकर कहती है, तनुजा तुम्हें माँ जी बुला रही है। मुझ पर हुक्म मत चलाओ, काम बताओ काम। अरे मैंने तुम पर कहाँ हुक्म चलाया, और हुक्म चला भी दूंगी तो क्या हुआ, तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। तुम जैसी अनपढ़ जाहिल और गांव की गवार मेरी बहन नहीं हो सकती। बेचारी मंजरी तनुजा की बात सुनकर अपना सा मुंह लेकर रह गई।
कोई चिट्ठी आई है, माँ जी तुमसे पढ़वाना चाहती है, बस इसलिए बुला रही हैं। मुंह टेढ़ा करके तनुजा मंजरी का मजाक बनाती हुए कहती है, अनपढ़ कहीं की। तनुजा का ऐसा बर्ताव देखकर बड़ी बहू बहुत दुखी होती है। तनुजा को अपनी पढ़ाई का घमंड इतना हो गया कि अब वो घर के कोई काम नहीं करती और अपनी जिठानी का मजाक बनाती रहती। तनुजा का ये बर्ताव अब उसकी सास को भी नजर आने लगा था। एक दिन शांति ने अपनी बड़ी बहू से कहा, मंजरी, तनुजा हर समय तुम्हारा मजाक उड़ाती है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? आता तो है माँ जी, लेकिन मैं क्या करूँ, जब भी उसे कुछ बोलती हूँ वो और भी जली कटी बातें मुझे सुनाकर चली जाती है। मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हूँ, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं। बहू, तूने वो कहावत सुनी है, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला अपराधी होता है। मंजरी अपनी सास का इशारा समझ जाती है। वो अपनी देवरानी को सबक सिखाने की ठान लेती है। और एक दिन शांति अपनी दोनों बहुओं के साथ बैठी थी तो शांति अपनी बड़ी बहू से पूछती है, अरे बहू, शाम होने को है, कुछ सोचा है क्या बनेगा खाने में? माँ जी, मेरे तो सर में बहुत दर्द है आज, मेरी प्यारी देवरानी ही कुछ अंग्रेजी खाना बनाकर खिलाएगी। सुना है पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, क्यों तनुजा? इतना कहकर मंजरी अपनी सास की ओर देखकर मुस्कुरा दी। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई। इतने में शांति कहती है, यह तो सच बात है छोटी बहू, ये तो मैंने भी सुना है, हम भी पक गए हैं बड़ी बहू के हाथ का खाना खा खा कर। तनुजा, तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करती है, आज हमें भी खिला दो कुछ अच्छा सा बनाकर। शांति की बात सुनकर छोटी बहू और आसमान पर चढ़ गई। पर उसे ये कहां पता था कि उसकी सास और जेठानी उसे सबक सिखाना चाहती हैं। तनुजा अपनी तारीफ सुनकर खुश तो बहुत होती है, पर सोचने लगती है, मुझे तो कैसा भी खाना बनाना नहीं आता, अब मैं क्या करूंगी? अगर मैंने इनको सच बता दिया तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे छोटी बहू, क्या सोच रही हो, खिलाओगी ना अपने हाथ का अंग्रेजी खाना? छोटी बहू हाँ में सर हिला देती है। अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं इंटरनेट से देखकर कुछ बना लेती हूँ, मेरी वाह वाही पूरे घर में हो जाएगी, मुझे कौन सा रोज रोज बनाना है। माँ जी, आज आप सबको ऐसा खाना खिलाऊंगी कि। इतने में शांति छोटी बहू की टांग खींचते हुए कहती है कि पता नहीं कैसा खाना खिलाओगी, ए ऊपर वाले हमारी रक्षा करना। इतना बोलकर शांति और मंजरी दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तनुजा रसोई घर में चली जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है। पर उसे रसोई घर की चीजों के बारे में तो कुछ नहीं पता। जैसे तैसे सारी चीजें निकालती है और इंटरनेट पर देखकर खाना बनाती है। कुछ ही देर में सब लोग घर आ जाते हैं। अरे सुनते हो, आज का खाना हमारी छोटी बहू बना रही है। अरे वाह, आज तो फिर कुछ अंग्रेजी खाना खाने को मिलेगा। कुछ ही देर में खाना बन जाता है तो छोटी बहू सबका खाना लगा देती है। इतने में बड़ी बहू कहती है, क्या बात है देवरानी जी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये बात तो सही कही बड़ी बहू तूने, खुशबू तो अच्छी है, ऐसी खुशबू तो मेरे खाने में भी नहीं आती। सब मिलकर छोटी बहू की बहुत तारीफ करते हैं और छोटी बहू सातवें आसमान पर बैठ जाती है। अब सभी खाना खाते हैं। जल्दी जल्दी दो, अब तो मुँह में पानी आ रहा है। हाँ हाँ, मुझसे भी नहीं रुका जा रहा। जैसे ही सोहन एक निवाला खाता है तो उसकी आंखों से पानी आने लगता है। ये देखकर शांति सोहन से पूछती है, क्या हुआ जी, खाना इतना अच्छा बना है कि आंखों से पानी आ गया? सोहन चुप रहता है और धीरे धीरे से खाना शुरू कर देता है। इतने में सोहन छोटी बहू से कहता है, बेटी तुम भी तो खाओ, तुम क्यों रुकी हो, खाना सच में बहुत अच्छा है। ये कहकर सोहन जोर से हंस देता है। फिर सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन खाने में नमक और मिर्च तेज हो गई थी। तनुजा से कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसे भी खाने को कहते हैं। जैसे ही छोटी बहू खाना खाती है वो पानी पानी कहकर चिल्लाती है, पानी, इसमें तो पानी। ये खाना तो सच में इतना अच्छा बना है कि हमारे साथ साथ देवरानी जी भी इसके स्वाद को कभी नहीं भूल पाएंगी। सही कहा बहू। तनुजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, ये मेरी गलती नहीं है, इंटरनेट पर दिखाया था कि 4 चम्मच नमक और मिर्च डालने हैं। अब मंजरी को भी मौका मिल गया और उसने तनुजा पर तंज कसा।
नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हर जगह अपनी पढ़ाई दिखाती हो, दूसरों का मजाक उड़ाती हो। अब पता चला ना, हर चीज में पढ़ाई काम नहीं आती। और तुम तो शहर में रही हो, तुम्हें तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाना आना चाहिए ना। बेटा, अगर तूने ठीक से सब सीखा होता तो आज तुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। बात शहर या गांव की नहीं होती, मंजरी गांव से आई है लेकिन उसे घर का काम करना और खाना बनाना सब अच्छी तरह से आता है। तुम शहर में रही हो, तुमने ये सब क्यों नहीं सीखा? छोटी बहू सर नीचा कर सबसे माफी मांगती है और बहुत शर्मिंदा होती है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा पर आपने मुझे हमेशा ही माफ किया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब दोनों बहुएं मिलकर घर का काम करने लगी और एक दूसरे को अपने गुण बांटने लगी। मंजरी ने अपनी देवरानी को खाना बनाना और घर का काम करना सिखाया, वहीं तनुजा ने भी अपनी जिठानी को पढ़ना लिखना सिखाया। शांति और सोहन ऐसी बहुएं पाकर बहुत खुश थे।